हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो इस वीडियो में आज मैं पेंट करूंगा टोनी स्टार्क को कार्डबोर्ड के ऊपर, और मैंने बैकग्राउंड बनाने के लिए प्रिंट आउट का यूज़ किया है। अगर आपको जानना है कि ये कैसे बनाए तो आप शॉर्ट्स देख सकते हैं मेरा इसी चैनल पर, मैं लिंक दे दूंगा। और मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्रिलिक पेंट। वीडियो टाइम लैप्स में है, रियल टाइम में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती वीडियो अगर मैं वैसे बनाता तो। और मैं यूज़ कर रहा हूँ ईजल, लेकिन मैं बाद में इसको हटा दूंगा क्योंकि मैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। और मैंने कोने में फ़ोटो डाल दिया है अपने फ़ोटो के लिए। तो मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। सो अभी मैं पेंट कर रहा हूँ आइज़, और पेंट करते समय आपको हाईलाइट और डार्कनेस और मिड टोन का ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ ज़्यादा हाईलाइट है, कहाँ ज़्यादा डार्कनेस है, कहाँ ज़्यादा मिड टोन है। तो आपको साथ में ही ब्लेंड करते हुए चलना है। अगर कलर सूख गए, क्योंकि ये एक्रेलिक कलर है, एक्रेलिक कलर में अगर सूख जाते हैं तो वापस जो है वो ब्लेंड नहीं होते हैं। तो आपको जो है साथ साथ ब्लेंड करते चलना है, और साथ साथ हाईलाइट और डार्कनेस का भी ध्यान रखना है। अगर आपको फिर भी ब्लेंड करने में दिक्कत हो रही है कलर्स को, सबसे इजी मेथड ये है कि जहाँ आप डार्कनेस है वहाँ पर आप डार्क कलर लगाइए, और जहाँ लाइटनेस है वहाँ लाइट कलर, फिर उसको कोई ड्राई ब्रश से या फिर किसी और पिन ब्रश से उसको ब्लेंड कर दो। तो ये मेथड मुझे थोड़ा इजी लगता है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा ही यूज़ करता हूँ। आप जो आपको इजी लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। मैंने नोज़ पे भी ऐसे ही किया है, पूरी पेंटिंग मैंने ऐसे किया है, दोनों कलर्स को एक साथ लगा के फिर उसे ड्राई पेंट ब्रश से जो है ब्लेंड किया है। कलर्स को जहाँ पर हाईलाइट है वहाँ पर मैंने हाईलाइट दिए, जैसे मैं नोज़ पे पेंट कर रहा हूँ। और मैं ज़्यादातर पूरी पेंटिंग मैंने वेट ब्लेंडिंग की है। वेट ब्लेंडिंग क्योंकि मुझे ईजी लगती है, मुझे इसे ही जो है पेंटिंग करना अच्छा लगता है। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। आपको बस फोटो को ऑब्जर्व करना है, कलर्स को पहचानना है कि कहाँ ज़्यादा कलर्स हैं, कहाँ लाइटनेस है, कहाँ डार्कनेस है, कहाँ पर कलर्स ज़्यादा ब्राइट हैं, कहाँ पर कलर ज़्यादा डार्क हैं। जैसे कि मैं नोज़ को कर रहा हूँ, नोज़ पूरी तरह बन चुकी है, नोज़ में ज़्यादातर डार्कनेस है, लाइटनेस बहुत कम है। तो अब जैसे कि अब मैं हर जगह हाईलाइट ऐड कर रहा हूँ। तो अभी मैं पेंट कर रहा हूँ सनग्लासेस को पेंट करने के लिए मैंने डार्क मैजेंटा कलर यूज़ किया हुआ है, और मैं उसको इतना ज़्यादा रियलिस्टिक में पेंट नहीं कर रहा हूँ, और मैंने कहीं हाईलाइट देने के लिए जेली रोल का पेन पर भी यूज़ किया हुआ है। सो अब मैं पेंट कर रहा हूँ फोरहेड को पेंट करने में मेरे को बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हाईलाइट है, बहुत सारी डार्कनेस है, और इसके अंदर रिंकल्स भी हैं, जो कि रिंकल्स मेरे से अच्छे से जल्दी पेंट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने इसको बहुत धीरे धीरे पेंट किया। तो आपको भी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे पेंट करना है। जैसे कि मैं रिंकल्स पेंट कर रहा हूँ, रिंकल्स पेंट करने के लिए मैंने डार्क कलर यूज़ किया, फिर लाइट कलर यूज़ किया, फिर उनको अच्छे से ब्लेंड किया, तब जाके फोरहेड जो है थोड़ा सा रियल लगने लगा। लेकिन कहीं जो है डार्कनेस थोड़ी लाइट हो जा रही थी, फिर मैंने वहाँ पर दोबारा डार्कनेस ऐड की, कलर सूख भी जा रहे थे। तो अब मैं फोरहेड पे हाईलाइट कर रहा हूँ वाइट कलर से, ताकि फोरहेड रियलिस्टिक लगे, थोड़ा सा फ्लैट ना लगे। और हाईलाइट करते समय वाइट कलर से, जब भी आप हाईलाइट करें वाइट कलर से, तो लास्ट में करें जब कलर्स थोड़े से ड्राई हो जाएं, क्योंकि बीच में ही आप अगर हाईलाइट्स करेंगे वाइट कलर से तो आपका वाइट कलर स्किन टोन में मिक्स हो जाएगा। और अब मैं पेंट कर रहा हूँ हेयर्स को मैंने ब्लैक पेंट किया है एज अ बेस लेयर, फिर उसके ऊपर मैं हाईलाइट दूंगा ब्राउन कलर से, येलो कलर से, ऑरेंज कलर से, जैसे रेफरेंस फोटो में दिया है। हाईलाइट्स पेंट करने के लिए मैंने हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाए हैं। तो आपको भी नॉर्मल हेयर्स के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं, जिस तरफ ज़्यादा हाईलाइट्स हैं उस तरफ आपको ज़्यादा हाईलाइट्स देनी है, और अलग अलग कलर से देनी है, सिर्फ एक ही कलर से नहीं। जैसे कि मैंने येलो कलर से दिया है, फिर उसके बाद में मैंने ब्लैक कलर दोबारा यूज़ किया है, और मैं अब वाइट कलर भी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं पेंट कर रहा हूँ चीक्स को भी वैसे ही पेंट करना है जैसे मैंने बताया, वही टेक्निक कि दो कलर्स को एक साथ यूज़ करके फिर उसको ब्लेंड करना। तो यहाँ पर भी मैंने वाइट कलर यूज़ किया हाईलाइट देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लाइट थी, कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस थी। तो मैं पेंट कर रहा हूँ दूसरा चीक, इसमें बहुत ही कम लाइट आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, और इसके अंदर ज़्यादा मैंने डार्क ही कलर यूज़ किए हैं। तो मैं बस कहीं हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि हाईलाइट करनी चाहिए, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं बस सिर्फ कहीं हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत ही थोड़ा, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, सो उतनी हाईलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए ज़्यादा मैंने हाईलाइट्स नहीं की, क्योंकि फेस ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा लगता और दोनों चीक्स के कलर सेम हो जाते। तो अब मैं पेंट कर रहा हूँ मोस्टैच, और मोस्टैच के साथ साथ मैं चिन भी पेंट कर रहा हूँ, और चिन के साथ साथ मैं लिप्स भी पेंट करूँगा। लिप्स में मुझे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने लिप्स को थोड़ा ज़्यादा ही पर्पल कर दिया था, तो मैं बाद में उसको ठीक भी करूँगा।
मैं साथ साथ हाईलाइट भी और डार्कनेस भी ऐड करते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में बियर्ड भी पेंट करना है। अभी पेंट कर दूँगा बियर्ड तो फिर बियर्ड ख़राब हो जाएगी। अगर आपको वीडियो और पेंटिंग पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं पेंट कर रहा हूँ बियर्ड, और बियर्ड के लिए भी मैंने नॉर्मल बियर्ड के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाए हैं क्लिप इनवर्स से, वो भी ब्लैक कलर से नॉर्मल। तो अभी मैं इसके अंदर हाईलाइट भी दूंगा, क्योंकि अभी भी बियर्ड जो है थोड़ी, और बियर्ड और मोस्टैच दोनों जो है फ्लैट फ्लैट से लग रहे हैं, तो मैं इसके अंदर अभी हाईलाइट दूंगा वाइट कलर से। और वाइट कलर के साथ साथ मैं थोड़ा जो है येलो कलर भी यूज़ करूँगा, क्योंकि रेफरेंस में थोड़ा सा येलो का हमको दिख रहा है, थोड़ा सा येलो टिंट दिख रहा है। तो मैं अभी येलो कलर से जो है थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा ब्राइट येलो यूज़ नहीं किया, मैंने थोड़ा सा उसके अंदर जो है ब्राउन कलर मिक्स किया है, और वाइट कलर से भी मैंने हाईलाइट दिया दोबारा से, और ब्लैक कलर भी मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फ्लैश हो रहा था, कुछ ज़्यादा येलो कलर फ्लैश हो रहा था बियर्ड के ऊपर। तो ईयर्स को मैंने उतने अच्छे से पेंट नहीं किया है, क्योंकि ईयर्स उतना अच्छे से फोकस नहीं थे, वो थोड़े ब्लर इफेक्ट में थे, तो मैंने उसमें नॉर्मली ब्लेंडिंग की है ताकि वो नॉर्मली लगे जैसे वो रेफरेंस में है। और मैं इसको पेंट करते करते थोड़ा हेयर में भी, जो हेयर लाइन में भी इसको ब्लेंड करूँगा, ताकि ईयर्स जो है कुछ ज़्यादा ही अलग ना लगे, थोड़े से जो है एकदम ब्लरी इफेक्ट और थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक भी आए। तो इसलिए मैं उसको हेयर में भी मिक्स कर दूँगा। नेक वाला पार्ट भी बहुत डार्क था, तो इसलिए मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ किए हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को उसको पेंट करने में। तो ज़्यादातर ब्लैक कलर यूज़ थे, और टी शर्ट भी ऑरेंज कलर की थी, ऑरेंज कलर को मैंने नॉर्मल किया, फिर उसको ब्लैक कलर से जो है डार्कनेस ऐड कर दी, टी शर्ट भी वैसी रियलिस्टिक बन गई। ब्लेजर वाले पार्ट के लिए मैंने पर्शियन ब्लू और ब्लैक कलर को मिक्स करके जो है पेंट किया है, मैंने पूरा ही पेंट कर दिया। अब मैं पेंट कर रहा हूँ हैंड वाला पार्ट। हैंड वाले पार्ट में मेरे को 4-8 से भी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाईलाइट हैं, बहुत सारे डार्कनेस हैं, कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट डार्कनेस है, और मेरे को कहीं कहीं पिंक कलर भी इस्तेमाल करना, पिंक शेड भी यूज़ करना पड़ गया था, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हैं, बहुत कुछ ज़्यादा ही थोड़ा मुश्किल था मेरे को उसको पेंट करना। और इसमें मैंने वाइट कलर एकदम लास्ट में यूज़ किया है, ताकि थोड़ा सा जो है रियलिस्टिक लुक आए, जैसे मैंने बताया था। तो हैंड भी पूरा ऑलमोस्ट बन गया है। अब मैं इसके अंदर जो है हाईलाइट दूंगा वाइट कलर से। तो वाइट कलर से हाईलाइट करने के बाद भी मैंने थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ किया, क्योंकि फ़ोटो के अकॉर्डिंग उतना सेम नहीं लग रहा था, उतना रियलिस्टिक लुक नहीं आ रहा था मेरे को, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने लाइट कलर दोबारा यूज़ किए। तो अब मैं फिर से वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट देने के लिए, ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आए, क्योंकि लाइट कलर यूज़ करने के बाद वाइट कलर थोड़े उसमें ही मर्ज हो गए थे, थोड़े उसमें ब्लेंड हो गए थे, इसलिए मैंने दोबारा वाइट कलर यूज़ किया। पेंटिंग पूरी बन चुकी है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लव द पेंटिंग एंड ट्यूटोरियल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।